हेलो दर्शकों नमस्ते तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल क्लाइम्बिंग हिमालयाज़ में तो मैं रोज़ डेली व्लॉग डालती हूँ तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में तो मैं आपको बताती हूँ कि uh, मैं मुझे एडवेंचर uh, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और गाइज मैं आपको बता दूँ मैंने एडवेंचर में माउंटेनियरिंग किया है पैराग्लाइडिंग किया है और वाटर स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे कोर्स किए हैं और साथ ही साथ मैंने स्कीइंग uh, कोर्स भी किए हैं तो मैं बता दूं कि गाइज ये जितने भी कोर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स के जितने भी कोर्स है माउंटेनियरिंग हो गया पैराग्लाइडिंग हो गया वाटर स्पोर्ट्स और स्कीइंग ये मैंने सब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से किया है इन ऑल इंडिया में तो गाइज तो आज हम बात करेंगे पैराग्लाइडिंग कोर्स के बारे में तो मैं आपको बता दूँ पैराग्लाइडिंग कोर्स के लिए इंडिया uh, का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है और कहाँ से आपको करना चाहिए और मैंने कहाँ से किया तो मैं ये सब बताऊंगी आपको तो गैज़ जब मेरा मन था मेरा पैराग्लाइडिंग करने का तो मैंने बहुत नेट uh, पे बहुत सर्च किया गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल रहे थे जो कि हिमाचल बेस्ड थे हिमाचल में मनाली बेस्ड थे और वो सब इंस्टीट्यूट प्राइवेट थे वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है पैराग्लाइडिंग के लिए और आप जानते हैं बीरबिलिंग जो एक फेमस जगह है हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के लिए वो एशिया की सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग के पैराग्लाइडिंग जगह के लिए, नाम से भी फेमस है आप सब जानते होंगे लेकिन कई मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे उतना भरोसा नहीं रहता है और जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स मैंने किए हैं वो सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से ही किए हैं और गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के वो सारे ऑथेंटिक होते हैं और वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और बहुत अच्छे होते हैं तो गईज मैंने पैराग्लाइडिंग जो कोर्स किया है वो मैंने निमाज तो गईज बात करते हैं मेरे पैराग्लाइडिंग कोर्स की तो मैंने बहुत सर्च करने के बाद मुझे जो बेस्ट इंस्टीट्यूट मिला और गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट मिला वो था ऑल इंडिया में निमास निमाज की फुल फॉर्म है गाइस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स तो गाइस ये जो निमास इंस्टीट्यूट है आपका सवाल आ रहा होगा ये है कहाँ पे इंडिया में हमने तो सुना नहीं है आपने सुना भी होगा कुछ लोगों ने लेकिन आपको पता नहीं है एग्जैक्ट है कहाँ पे तो गईज ये जो इंस्टीट्यूट है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट बहुत ही ज्यादा फेमस स्टेट आपने नाम बहुत बार सुना होगा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में पड़ता है और ये जो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का जो स्टेट है ये चाइना बॉर्डर के साथ भी लगता है तो काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है कि इंडिया चाइना में डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट को लेके ऐसा कुछ आपने सुना होगा न्यूज़ में तो कैसे ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है वो बहुत सेफ़ जगह है और बहुत ब्यूटीफुल जगह है जैसे कि आप जानते हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है और अगर वहां पर कोई इंस्टीट्यूट आपको पैराग्लाइडिंग कोर्स करवा रहा है तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है है. तो गैस मैं बताती आपको आपको कि आपको निमास आ, माने की, National Institute of and Allied sports में कैसे ज्वाइन करना है एडवेंचर स्पोर्ट्स सॉरी मैं आपको बता दूँ पहले इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइट स्पोर्ट्स था लेकिन अब इसका नाम रिसेंटली चेंज हो गया एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया है तो ये गैस... तो गईज ये जो इंस्टीट्यूट है ये 2013 में ही बना है और बाकी एडवेंचर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये सबसे नया एडवेंचर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का और ये मैं बता दूं आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और यहाँ का जितना भी स्टाफ है सारा आर्मी से है और सारे आर्मी पर्सनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये आर्मी के द्वारा रन किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है गईज इंस्टीट्यूट तो आप समझ सकते हैं कितना ट्रस्टवर्दी है और कितना सिक्योर है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में लोगों को डर रहता है कि हमारी सेफ्टी का क्या हमारी आ, बाकी चीज़ों का क्या क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में सबसे मेन चीज़ होती है आपकी सेफ्टी तो यहाँ पे आपकी आ, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है और आप आर्मी वालों पे आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो क्योंकि वो आपको कुछ नहीं होने दे सकते ठीक है तो गाइज़ बात करते हैं हम आ, इंस्टीट्यूट की तो गाइज इस इंस्टीट्यूट में और भी कोर्स हो, कोर्सेज होते हैं जैसे माउंटेनियरिंग कोर्स होता है पैराग्लाइडिंग होता है मोटर स्पोर्ट्स होता है वाटर स्पोर्ट्स के भी कोर्सेज यहाँ पे होते हैं गाइज यहाँ पे एयर लैंड वाटर तीनों तीनों एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के कोर्स करवाए जाते हैं लेकिन उन उनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है और उनकी सीट्स का सीट्स uh, uh, का नंबर्स भी अलग अलग होता है और उनका फीस भी अलग अलग होता है तो लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगी पैराग्लाइडिंग कोर्स की तो गाइज यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कोर्स जो होता है वो होता है दो पार्ट्स में पहला पार्ट्स होता है, पहला पार्ट होता है बेसिक कोर्स बेसिक कोर्स में आपका क्या आएगा पी वन और पी टू पी वन पी टू में आपका आता है बेसिक और इंटरमीडिएट कोर्स जो कि होता है दस दिन का तो पी वन में आपको होगा बेसिक बेसिक कोर्स में आपको बताया जाएगा ग्लाइडर को कैसे हैंडल करना है कैसे न, बैलेंस बनाना है मतलब बेसिक सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको पी वन कोर्स में और पी टू कोर्स में क्या होगा उसमें भी आपको इंटरमीडिएट लेवल की जो चीज़ें हैं बेसिक से थोड़ा एडवांस वो सारी चीज़ें बताई जाएगी तो इसमें क्या तो होता है आपको चिकन फ्लाइट्स कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट्स फ्लाइस करवाना फ्लाइट्स करवाएंगे वो लोग पैराग्लाइडिंग करवाएंगे आपको थोड़ी छोटी हाइट से तो आपका जो अंदर का डर है वो ख़त्म होगा तो गाइज ये था पी वन और पी टू का और जो पी थ्री कोर्स होता है वो गाइज प्रॉपर पैराग्लाइडिंग होती है आपको सोलो फ्लाई करवाया जाता है बहुत ज़्यादा हाइट से और बहुत मज़ा आता है गाइज बहुत मज़ा अगर आप इंटरेस्टेड हो पैराग्लाइडिंग में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पी वन पी टू और P3 जरूर कीजिएगा P2 में मत रुकिएगा क्योंकि पी टू में उतना मज़ा नहीं आता है लेकिन मज़ा तो फिर भी आता है लेकिन आ, आपको पी थ्री ज़रूर करना चाहिए क्योंकि पी थ्री में जो मजा आता है वो शायद बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स से कहीं गुना ज्यादा होता है गाइज तो मैं सजेस्ट करूँगी आप जरूर ये कोर्स करें अगर आपका आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने में तो आप जा सकते हो निमास की वेबसाइट पर और निमास की वेबसाइट पर आप को मैं बताऊंगी कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और आप निमास की वेबसाइट पर कैसे पहुंचोगे और आ, क्या करना है जैसे सिंपल वे है कि आपको गूगल पर जाना है निमास टाइप करना है और आपको वेबसाइट आ जाएगी इंस्टीट्यूट की तो आपको वहाँ पे जाके लॉग इन करके अपनी आई बनानी है और अपना वहाँ पर अपना फॉर्म फिल करके आपको आ, वहाँ पे उनका जो भी क्राइटेरिया होगा वो फुलफ़िल करना है देन फीस सबमिट करवानी है उसके बाद आप आ, रजिस्टर हो जाते हो तो कैसे एक चीज़ का खास ध्यान रखना अगर आप पैराग्लाइडिंग के पैराग्लाइडिंग करने में इंटरेस्टेड हो जो ये इंस्टीट्यूट है निमास यहाँ की जो सीट्स है वो बहुत कम होती है अराउंड दस से पंद्रह के बीच में सीट्स रहती है और ये बहुत जल्दी फिल हो जाती है आप समझ सकते हैं पूरे ऑल इंडिया में दस से पंद्रह सीट्स रहेगी तो आपको बहुत टाइम पहले अपनी सीट बुक करनी होगी तो मैंने अराउंड एक साल पहले ही अपनी सीट बुक कर दी थी उसके बाद एक साल के बाद मेरा नंबर आया था तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी एक साल पहले या छह महीने पहले अपनी सीट ज़रूर बुक कर लें ताकि आपको सीट मिल जाए और फिर आपका आप वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर दोगे फीस सबमिट कर दोगे और आपको कंफर्मेशन आ जाएगा फिर आप पैराग्लाइडिंग कोर्स करने जाओगे तो कई ये था पैराग्लाइडिंग बेसिक बेसिक आइडिया कि आपको क्या करना है कैसे करना है और फिर आपको मैं उसके बाद बताऊंगी कि आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट निमास जो इंस्टीट्यूट है आपको वहाँ तक पहुंचना कैसे है क्योंकि मैं मेरे लिए निमास इंस्टीट्यूट पहुँचना बहुत बहुंच बड़ा टास्क टास्क था क्योंकि मैं हूँ हिमाचल से और जो इंस्टीट्यूट है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है तो बींग ए हिमाचली गर्ल मुझे पता नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या सिस्टम है वहाँ पे कैसा वेदर रहता है क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं था लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे एक्सपीरियंस जो जो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हुई वो, वो सब मैं आपको बताऊंगी कि आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप इंस्टीट्यूट जाना चाहते हो तो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको क्या क्या लेके जानी है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि जो अरुणाचल है वो स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में आता है तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर एग्जांपल इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है इनर लाइन परमिट आपको अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने के लिए बहुत ज़रूरी चीज होता है वो भी आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में तो गैस ये देख सकते हैं मैंने गूगल पे टाइप किया है निमास और ये पहले ही निमास दिरंग के नाम से वेबसाइट आ गई है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट पड़ता है ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल के और दिरांग एक जगह है वहाँ पे तो गैस देख सकते हैं आप ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स कैटेगरी ये देख सकते हैं इनका ट्रेनिंग एरिया और इनके डिफरेंट डिफरेंट कोर्स तो मैं सबसे पहले खोलती हूँ Uh, देख सकते हैं आप यहाँ पे गईज इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप इनको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं इनकी मेल आई ये रही और इनका फ़ोन नंबर तो यहाँ देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं पैरामोटर पैराग्लाइडिंग तो मैं जाऊँगी पैराग्लाइडिंग कोर्स में गईज आप देख सकते हैं माउटेन ट्रेन बाइकिंग भी है स्कूबा डाइविंग भी है वाइट वाटर राफ्टिंग का भी कोर्स ये करवाते हैं बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं गाइज ये तो लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ पैराग्लाइडिंग कोर्स की तो अभी हम देखेंगे पैराग्लाइडिंग कोर्स को कि पैराग्लाइडिंग कोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं आप इस जब इस वेबसाइट पे जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि ये वेबसाइट बहुत स्लो चलती है तो आप इससे निराश मत हो जाना तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस से आप काम करना इस वेबसाइट पे जो भी करोगे देखिए गाइज ये वेबसाइट फिर रुक गई है अभी चल नहीं रही है मैं इसको दोबारा से ट्राई करूंगी शायद चल पड़े तो गाइज वेट करने के बाद लगता है ये साइट चलने लगी फाइनली देख सकते हैं गाइज ये खुल रहा है अभी पेज पैराग्लाइडिंग कोर्स का आप देख सकते हैं ये है पैराशूट निमास कस इसमें लोगो बना है और नीचे कोई पायलट तिरंगा लेके जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है इस ये देख सकते हैं आप ये नमाज के पैराग्लाइडर्स है काफ़ी अच्छे लगते हैं और इस वैसे इसमें बताया गया है पूरा एवरो एडवेंचर के बारे में बेसिक पैराग्लाइडिंग कोर्स पी वन एंड पी टू के बारे में जैसा मैंने आपको पहले बताया इसमें बताया गया है कि पी वन पी टू कोर्स कहाँ होगा और पी थ्री कोर्स कहाँ होगा ये देख सकते हैं इसे जो इनकी फीस है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी रुपीज़ है ड्यूरेशन दस दिन का है और जो एज क्राइटेरिया है, है वो सत्रह साल से चालीस साल का एज क्राइटेरिया है तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो दिखा रहा है 2024-2025 का जो कोर्स दिखा रहा है वो अभी आप बुक कर सकते हो मैक्सिमम जो सीट्स है वो पंद्रह है आप इस पे जाके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो अवेलेबल सीट्स देख सकते हैं गाइज़ आप तो अभी हम देखेंगे कि अभी जो रिसेंट का जो टाइम है छः नवंबर दो तो आप देख सकते हैं सत्रह से चालीस साल एज है और पंद्रह सीट से छब्बीस हज़ार फीस है तो ये बुक हो चुकी है अभी तो हम जो नेक्स्ट कोर्स है वो अभी हम देखेंगे आठ जनवरी दो हज़ार चौबीस का है जो सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है तो जो इसकी एज है वो सत्रह से चालीस है और आप इसको यहाँ से बुक कर सकते हो अगर आप इस पर बुक करोगे तो आपको लॉग इन के लिए आ जाएगा तो गईज़ हम अब हम देखते हैं आगे एडवांस कोर्स के एडवांस पैराग्लाइडिंग कोर्स के बारे में तो इसकी जो फीस है वो इकत्तीस हज़ार समथिंग है तो अब इसके देख सकते हैं डेट्स आप इस पर देख सकते हो ये आप अभी बुक नहीं हुए हैं कोई भी स्लॉट एडवांस के तो आप अभी इस साल करना चाहो या अगले साल करना चाहो शायद इस साल का तो सारे बुक हो चुके हैं अभी एडवांस के लेकिन अभी हम देखेंगे कि अगर आपको लॉग करना है तो आप कैसे करोगे आपको बुक पे बुक सीट पे जाना है तो आपको ये लॉग इन आई तो क्या इस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको वेबसाइट पे बताया कि आपको गूगल पे जाके नमाज़ की वेबसाइट पे जाना है वहां पे पूरा डिटेल दिया गया है इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है और आपको लोकेशन भी बताई गई है कि ये कोर्स कौन सी लोकेशन पे होंगे और फीस स्ट्रक्चर भी आपको मैंने बता दिया है कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा और एज ग्रुप क्या रहेगा और साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया कि अभी जो डेट्स है वो कब कब होगी पैराग्लाइडिंग की वो भी आप को मैंने बता दिया और बाकी आप वेबसाइट पे जाके खुद से चेक कर सकते हो तो अगर आपको अपनी सीट बुक करनी है तो आपको लॉगिन करना होगा वहाँ पे अपनी लॉग इन आई बनानी होगी अपने आपको रजिस्टर करना होगा वेबसाइट पे तो आपकी लॉगिन तो आप लॉगिन कर पाओगे उस वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको एक तो आपका अपना जो आपका पर्सनल इन्फो है उसका फॉर्म होगा वहां पे और एक आपका मेडिकल का फॉर्म होगा आपको मेडिकल करवाना होगा किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से आपको एक आपका मेडिकल फॉर्म वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो आप वो सब आपको वहाँ फ़िल करना है आपकी एक फ़ोटोग्राफ भी लगेगी वहाँ पे तो वो सब रिक्वायरमेंट्स रहती है एक फॉर्म फ़िल करने को और आपको फ़ीस सबमिट करवानी होती है तो इंस्टीट्यूट में जाने से पहले एक तो आपका फॉर्म हो गया जो आपको ऑनलाइन फिल करना है तो जो आप फॉर्म ऑनलाइन फिल करोगे उसका आपको एक हार्ड कॉपी भी फिल करके अपने साथ इंस्टीट्यूट लेके जानी होती है और साथ ही साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की रहती है वो है इंश्योरेंस जब आप इंस्टीट्यूट में जाओगे कोर्स का जो आपका ड्यूरेशन रहेगा आप अपनी इंश्योरेंस कोई भी कर सकते हो लेकिन आपको अपनी एडवेंचर की इंश्योरेंस ज़रूर करनी होती है जैसे कि आप दस दिन के कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपकी दस दिन की इंश्योरेंस ज़रूरी होनी चाहिए तो ही आपको वो अलाव करेंगे कोर्स के लिए क्योंकि जब वो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले आपकी इंश्योरेंस मांगते हैं और आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा ये आ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी कि आपको इंश्योरेंस कहाँ से करानी चाहिए किस और इंश्योरेंस का क्या प्राइस रहता है अगर आप जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए इनर लाइन परमिट आपको अरुणाचल आसाम पहुँचना होता है आसाम से ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम रहता है इंस्टीट्यूट तक वो अगर आपको जानना है वो सब तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंश्योरेंस के बारे में भी अगर आपको जानना है कि हम इंश्योरेंस कहाँ से कर सकते हैं और कम से कम प्राइस में जो हमारा इंश्योरेंस रहता है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पैराग्लाइडिंग की कुछ क्लिप्स आई होप आपको मजा आएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट से, से, सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अगर आपको कुछ जाना है फिर भी कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं आपको अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचर के रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी और साथ ही साथ मैं आपको अपने uh, बारे में भी और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी और एडवेंचर के uh, अपने बारे में और अपने एडवेंचर के बारे में आपको बताती रहूँगी और डिफ़रेंट डिफरेंट एडवेंचर कोर्स के बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी तब तक के लिए थैंक यू गाइज़